नमस्कार दोस्तों, भक्ति नगरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सपने में अपने देवर को देखने का क्या मतलब होता है। इसके साथ ही यदि आप सपने में देवर से बात करते हुए देखते हैं या देवर के साथ झगड़ा करते हुए देखते हैं या फिर अपने देवर की शादी देखते हैं तो यह सब सपना हमें आने वाले समय के लिए क्या संकेत देता है, शुभ होता है या अशुभ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सपने में अपने देवर को देखना बहुत ही शुभ और अच्छा सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। और अगर आप सपने में देवर से बात करते हुए देखते हैं तो यह सपना भी शुभ होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली है, कुछ अच्छा और नया होने वाला है। और यदि आप सपने में देवर के साथ झगड़ा करते हुए देखते हैं तो यह सपना अशुभ संकेत की ओर इशारा करता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई मुश्किल आने वाली है। और यदि आप सपने में देवर की शादी देखते हैं तो यह सपना भी अच्छा नहीं होता है। सपने में देवर की शादी देखने का मतलब है कि आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी आने वाली है, लेकिन आप उस परेशानी से जल्द ही बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल के साथ जरूर दबा लें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।